फाइनली रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड घूमने के बाद हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। लेट्स गो। सो वी आर लीविंग टुवर्ड्स आर कहां जा रहे हैं भैया? हम एल्डोराडो। हां एल्डोराडो। ये हमारा स्टे है, रिसॉर्ट है। रिसॉर्ट है। ठीक है, आपका नाम क्या भैया? मेरा प्रदीप। प्रदीप जी, प्रदीप जी के साथ जा रहे हैं हम एल्डोराडो। एल्डोराडो यहाँ से वन वे है। अच्छा जी, यहाँ से गाड़ी डायरेक्ट नहीं आ सकता। ओह यहाँ से वाओ। ओह नाइस। हाँ नहीं तो ट्रैफिक ही बहुत हो जाएगा वहाँ पे ना। हाँ वहाँ पूरा मतलब छोटा रास्ता है, ये सिंगल गाड़ी जाएगा। ओके एक बाइक भी नहीं आ सकता वहाँ से। नाइस। अरे कितना किलोमीटर में सर ये जो अपना हैवलॉक है? हैवलॉक 25 किलोमीटर का रेडियस। 25 किलोमीटर रेडियस। तो भैया दिन में कितने लोग आते हैं, जैसे वन डे में कितने टूरिस्ट आते हैं आपको दिन में? हाँ जी 2000 के ऊपर। मैंने जो वैसे सुना है या देखा है कि हर एक जो रेस्टोरेंट मतलब वो है रिजॉर्ट है उसका एक पर्सनल एक स्पेस होता है बीच का। तो देखते हैं तो आपका एल्डोराडो जो होटल है रिसॉर्ट है। हाँ जी भैया उनका भी अपना पर्सनल बीच है। ओके। ओह सबका अपना पर्सनल बीच। हाँ होता है क्योंकि सबका उस तरफ पानी है ना। जितना भी होटल है। ओके लेफ्ट साइड का। हाँ जी सबका अपना अपना पर्सनल बीच है। ओके। ओह और ये राइट साइड में जो भी है उनका नहीं है। ओह वाओ। तो ये सब सारे जो भी लेफ्ट में सारे होटल्स हैं कि घर भी हैं इधर कुछ? इधर कुछ घर भी है। और वैसे कितने सर कितने यहाँ पे आबादी, कितनी पॉपुलेशन कितनी है इधर की हैवलॉक की? सिर्फ यहाँ का जो प्रॉपर निवासी है 15,000 के आसपास। ओह बस। ओके एल्डोराडो वी हैव रीच्ड आवर स्टे फॉर वन डे हियर एल्डोराडो बीच रिजॉर्ट। सो लेट्स गो। ओह वी आर हियर इन एल्डोराडो गाइस। हां हां How are you feeling guys? Very good, very good. Woohoo! Let's see kya hai. Bahut hi shanti hai yahan pe. Eldorado. So beautiful. So this very is the like our stay for one day for today. एंड हर एक होटल का अपना एक प्राइवेट बीच है, दिखाता हूँ ये। सो गाइस दिस इज द प्राइवेट बीच। प्राइवेट बीच है मतलब क्या है कि यहाँ से बाहर के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे। जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं सिर्फ वो यहाँ की इस चीज़ के लुत्फ उठा सकते हैं, इस बीच का लुत्फ उठा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। दिस इज वेरी लवली थिंग। सो हियर वी गो। So guys, here we go to a private beach. मजा आने वाला है। Okay. Woohoo! This is very lovely, lovely, lovely thing. Oh wow, ठंडा पानी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ठंडा, कुछ ठंडा मिला यहाँ पे। शुभ मेरी चप्पल ना गिर जाए, मैं नंगे पैर हूँ, तू भी आ जा नंगे पैर प्लीज। बिल्कुल साफ पानी गाइस। गाइस गाइस कछुओं में नहीं है गाइस, ने तो अभी दिखाते हैं आपको गाइस, वहां तक चल जाते गाइस हम। ऐसा तो नहीं है, मैं चल जाता भाई, मैं जाती हूं। नहीं नहीं सॉरी। गाइस ये हमारा जीप का स्टे है यहाँ पर, झोपड़पट्टी में छोड़ दिया हम लोगों को, मम्मी पापा रिलैक्स। और ये घोड़े की टट्टे खा रहे हैं, घोड़े की टट्टे और उनकी टट्टे सो रही हैं। और ये वॉशरूम देखो, ऐसे कबड्डी खेल सकते हैं यहाँ पे दो टीमों को मिला के। मगर वॉशरूम इतना भी होता तो चल जाता, रूम भी ठीक ठाक है बट
ठीक है, यही आपको अकोमोडेशंस मिलेंगे यहाँ पे और बाहर का व्यू दिखाएंगे। अभी रेडी हो गए, फिर से तैयार हो गए दूसरी चीज़ों में, अब हम फिर से जा रहे हैं बीच। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा लंच करेंगे, देन वी विल गो टू एक बहुत ही प्यारा सा नया बीच जो आसपास है। तो अभी हम प्राइवेट बीच जा रहे हैं जो इसी होटल का है। आई मीन तो अभी हम जा रहे हैं प्राइवेट बीच फिर से, और ये इस होटल का रेस्टोरेंट, ये हमारा रिसेप्शन, ये रिसेप्शन दिख सकते हैं आपको। जा रहे हैं प्राइवेट बीच में, अभी हम गए थे जैसे, हमें ना एक्चुअली हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, हमसे रहा नहीं जा रहा। ऐसे लग रहा है कुछ मगरमच्छ आ जा रहे हैं ऊपर से। सो नाउ मैं अपने मॉम डैड को और फैमिली, पूरी फैमिली को समझा रहा था कि कैसे हमने एंट्री लेनी है। एंड दिस वॉज अ वीडियो जो आप लोग इस ट्रिप की इंट्रो जो बनाई है मैंने वो है, और देखो कैसे मैं सबको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। कैसा रहा आप मम्मी बीच एक्सपीरियंस, प्राइवेट बीच? बहुत अच्छा है यार। तो बहुत ही अच्छा है।
है ना, मतलब लवली। सारा दिन एंजॉय कर सकते। हाय गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं, चलो भैया आगे, राधा रानी कहाँ पे जा रहे हैं हम? तो बीच पे जा रहे हैं, अब बता, जाके बताते हैं कहाँ बीच पे जा रहे हैं। तो हम रेडी हैं और हम पहले स्विमिंग करेंगे, फर्स्ट राउंड स्विमिंग है, सेकंड पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए हमने ऐसे कैजुअल कपड़े पहन लिए अभी। तो लेट्स गो। ठीक लग रहा है वो दिया। अभी हम निकल चुके हैं हमारे, कौन सा आइलैंड है सर वो? राधा नगर बीच आइलैंडी बीच। हम लोग अवतार में हैं, नए अवतार में हैं, फ्रेश हैं अभी। कितनी दूर है भैया ये? 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर ये आइलैंड और 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं। और यहाँ का सैंड देखिए एकदम प्योर वाइट मिलेगा, जो प्योर वाइट है। हाँ, और ये जो है ना सनसेट पॉइंट है। अच्छा, ओ वाया सनसेट। और आपका होटल का जो पीछे वाला बीच है ना वो सनराइज पॉइंट है। अच्छा, हाँ सवेरे 5 बजे उठ गया ये सनराइज दिख जाएगा। अच्छा, 5 बजे का। सो वी हैव रीच्ड द बीच। यहाँ कहते हैं एशिया का सबसे बेस्ट बीच है, और यहाँ पे प्योरेस्ट सैंड मिलती है, वाइट सैंड। पहुंच चुके हैं राधा नगर बीच। हम से बोल नहीं पा रहे थे ना, दिस इज राधा नगर बीच। ये देखिए वाइटेस्ट सैंड इन एशिया, सुंदर सबसे ब्यूटीफुल बीच एंड सबसे प्योरेस्ट सैंड जो होगा, सबसे वाइट सैंड होगा वो इस बीच में होता है। एंड यहाँ पे हम नहा भी सकते हो, मजे भी कर सकते हो। सो लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग, लेट्स गो। मजा आएगा, अब मैं नहाऊंगा। चलो चलो चलो, इन्हीं कपड़ों में और क्या। तेज आ रही है, बहुत तेज। बीच तो बहुत अच्छा है, बट ना मैं लाया नहीं कुछ अपने लिए, क्या कहते हैं उसके, नहाने धोने के कपड़े। तो अब मैं रेंट पे लूँगा यार, देखते हैं कितना मिलता है। तो होपफुली सस्ता मिले, क्योंकि अंदर तो वाट लग जाएगी नहीं तो। सो लेट्स होप कि हमें एक कन्वीनियंट प्राइस पे मिले। मैम स्विमिंग के कॉस्ट्यूम मिलते हैं यार रेंट पे या कुछ ऐसा स्विमिंग के लिए? भैया स्विमिंग के लिए है मैन का हुई शॉर्ट कुछ भी यार? यार बेसिकली मैं लेके आया हूँ लोअर भी और वो भी, बट होटल रह गया वो, तो उसका हमें यहाँ पे भुगतान हो रहा है 450 रुपये का। लेट्स गो। नहीं लेने आ रहा तो फिर आप ही क्यों रखोगे यार। चलो थैंक यू। तो हम एक्सप्रेशन देखेंगे घर वालों का, बोलेंगे वाह बेटा वाह, फिर से खर्चे करा रहा है तो खर्चों के लिए बना है यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये रहा हमारा प्यारा बीच, वो रहे मेरे डैड मॉम। गाइस कैसन है? यस हैं खरीद के लाया, क्या करूँ कितने भी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पानी में और मम्मी रिकॉर्ड करने वाली है, और ये कैप और कैप भी रख दूँ ना मैं, कैप और ऐनक है ना। लेट्स गो टू द बीच गाइस। मेरी बढ़ रही हुई। Step 1, wake up early, gonna rise the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be.
step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. Let's go, mom. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate again. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Today's gonna be a good day. मैंने तो बहुत मजे लिए लिए और मैंने भेजा है पापा को पापा एंड मम्मा और दी गए हैं. Let's see their fun. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. सो बीच में नहाने के बाद बीच में सैंड आर्ट नहीं किया तो क्या किया. तो देखो हमने एक स्पेशल सा आर्ट किया फॉर आवर मॉम. सो एंजॉय दिस एंड उसके बाद आप देखेंगे एक टाइम लैप्स सनसेट का जो कि बहुत प्यारा है. सनसेट देख रहे हैं जो बहुत ही क्लोज हो गया. इसी के साथ होता है सनसेट. कुछ रिफ्लेक्शन रहती है, कुछ लाइट्स रहती हैं, बट बहुत ही प्यारा सनसेट, बहुत ज़्यादा प्यारा सनसेट हुआ है. एंड अभी हम जाएंगे होटल और उसके बाद विल स्टार्ट आवर डे फोर. सो लेट्स गो. हाँ
दिया था मैं। अभी हम डिनर के लिए आ गए हैं एंड लेट्स गो टू हैव आवर डिनर एंड डिनर करके हम फिर से प्रस्थान करेंगे अपने रूम्स की ओर और कल का दिन स्टार्ट करेंगे जो कि है नील आइलैंड। तो दिस इज़ आवर लास्ट थिंग टू लास्ट एक्टिविटी सारी कर ली है, दिस इज़ द लास्ट थिंग टू डू पेट पूजा देन विल गो बैक टू स्लीप। ये थी नाइट इस स्टे की, खाना खा लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू आर होम टू आर कॉटेजेस रेस्ट करेंगे और सुबह हम यहाँ पे सनराइज़ देखेंगे। कहते हैं कि इस बीच से जो प्राइवेट बीच है ये इस होटल का जो सनराइज़ दिखता है, तो हमने अपना अलार्म सेट कर लिया सुबह का 5 बजे का, तो विल ट्राई आर बेस्ट कि हम 5 बजे उठकर सनराइज़ देखेंगे। 5 बजे नहीं बेटा, 5 बजे हमें यहाँ होना चाहिए। ओके तो ये हमारे हेडक्वार्टर्स हैं गाइस, प्यारे लेट्स गो इनसाइड।